मैं आज बहुत कुछ ना कहते हुए, क्योंकि हम सब लोग पूज्य महाराज जी को सुनने आए हैं और हम लोगों का जो प्रोग्राम था बहुत पहला प्रोग्राम है बहुत जल्दी में। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले 25 तारीख को कमल का बटन दबा करके आप लोग भारी से भारी बहुमत से, क्योंकि लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, आदरणीय साकेत मिश्रा जी को और विधानसभा वैश्री में अपना आशीर्वाद आपको देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, सारे लोग मिल करके एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय सल्लू भैया जिनको सुनने के लिए हम यहाँ बैठे थे, हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हमारे प्रांगण में हो गया, मंच पर हो गया, हम सभी करतल धुन से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। गूंज रहे हैं तीन ही नाम, योगी मोदी जय श्री राम, गूंज रहे हैं तीन ही नाम, गूंज रहे हैं तीन ही नाम, भारत माता की जय। हम लोकसभा के प्रत्याशी बड़े भाई आदरणीय साकेत मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं कि आवें और आए हुए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री मंत्री महोदय, मंचासीन सभी सम्मानित साथीगण, मेरे प्यारे परिवार, जब जब हमारे देश में संकट आता है तो हमारे देश में महान पुरुष पैदा होते हैं जो कि देश को संकट से बचाते हैं। आज हमारे देश में डबल इंजन साधु आए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय प्यारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और ये दोनों लोग हमारे देश के ऊपर जो जो संकट है उनको उतारेंगे। एक क्रांति कर रहे हैं जो कि विकास की क्रांति है। आप सब से केवल एक निवेदन है कि जो विकास की क्रांति है जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो जो चीज से हम लोग को वंचित किया गया था दिलाया जा रहा है, उस क्रांति में आप लोग सैनिक बने, 25 तारीख को कमल का बटन दबाएं लोकसभा के लिए भी और विधानसभा के बाईपोल के भी, जिससे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के हाथ में ताकत आए, देश को बचा सकें, देश को महान बना सकें। करेंगे ना सब लोग, हाथ उठा कहिए, देश को बचाने के लिए अब जिम्मेदारी आप लोग की है। जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साकेत भैया, निश्चित ही आपकी जो अपील है 25 तारीख को हम लोग दोनों ईवीएम पर कमल का बटन दबाकर अपने दोनों प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम जिनको सुनने के लिए जिनकी प्रतीक्षा में बैठे थे, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन है कि आवें और हम कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे बंदे। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मंगल प्रसाद थारू जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख पंचपेड़वा श्री मनोज तिवारी जी, ब्लॉक प्रमुख गैसड़ी श्री शक्ति सिंह जी, नगर पंचायत अध्यक्ष पंचपेड़वा श्री रवि वर्मा जी, नगर पंचायत अध्यक्ष गैसड़ी श्री प्रिंस वर्मा जी, पूर्व सांसद श्री दद्दन मिश्रा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी,
नवीन विक्रम सिंह जी, लोकसभा के लिए आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री साकेत मिश्रा जी, गैसड़ी विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशी श्री शैलेश कुमार सिंह सैलू जी, देवपाटन मंदिर के महंत श्री योगी मिथिलेश नाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी गण, सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारी गण और भारी संख्या में उपस्थित इस गैसड़ी विधानसभा और बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां पाटेश्वरी के इस पावन धाम में स्थित इस पूरे जनपद के आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों का इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और 6ठे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का उपयोग 25 मई को करना है। बहन और भाइयों, पूरे देश के अंदर 11 राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक ही स्वर और एक ही नारा गूंज रहा है। हर एक जनता की एक ही तमन्ना है और वह तमन्ना उनके नारों में गूंज रहा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात जनता जनार्दन के मुंह से निकलती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो ये इंडी गठबंधन है इन सबको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबरा जाते हैं कि 400 पार का लक्ष्य कैसे पूरा होना है। बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन इसका भी जवाब दे देती है, जनता ही इनको बता देती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, और ये लोग ठहरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये जो ठहरे राम विरोधी। इन लोगों को ये राम के तो विरोधी हैं लेकिन वोट के लिए ये देश का विरोध भी कर रहे हैं, गरीब का विरोध कर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर सेंधमारी करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। इनके द्वारा जो षड्यंत्र होने जा रहा है उसके प्रति आगाह करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर हमने एक नए भारत का दर्शन किया है। आज जो परिवर्तन हम सबको नजर आ रहा है ये मोदी जी के परिश्रम का, उनके विजन का, उनके मिशन का परिणाम है। दुनिया के अंदर हम सब भारतवासियों का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, भारत के अंदर आज आतंकवाद और नक्सलवाद के बारे में उनकी गतिविधियों की अनैतिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कोई प्रश्रय नहीं दे सकता और जो भी प्रश्रय देगा तो उसे मालूम है कि उसके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। याद करिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जब सरकारें थी सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से
और सायकाल आते आते आतंकी वारदात की खबरें आती हुई हम सबको दिखाई देती थी। बहन और भाइयों, ये जो सरकारों की उस समय की सरकारों का नकारापन था उसका भुक्तभोगी जनता जनार्दन को बनना पड़ता था। आज की स्थिति आप सबके सामने है। आज तो आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसा गया, अब तो मैं कहता हूं पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है ये नया भारत है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान सफाई देते हुए फिरता है। बहनों और भाइयों, विकास के बड़े बड़े कार्य हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में तो देखने को मिल ही रहा है। हर घर नल के रूप में भी, हर घर में नल और हर नल में जल जैसी योजनाओं के माध्यम से भी उसका लाभ आज जनता जनार्दन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, ये जो लाभ है यह लाभ इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन लाया गया है, पूरे देश के अंदर बनाया गया है, उसका लाभ लाने का प्रयास हुआ है। और यही नहीं, याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की प्रदेश की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, माफियाओं का आतंक था। और आज मोदी जी के समय में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये नया भारत है, हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत का कार्ड प्राप्त हो गया है, वह कहीं भी जाकर के अपना उपचार करा सकता है। 60 करोड़ लोगों को यह सुविधा देश के अंदर प्राप्त हो रही है। याद करिए, गरीबों का पहला सरकार से कोई पैसा आता था वह पेंशन का हो या कोई मुआवजा हो या कोई अन्य किसी प्रकार का कंपनसेशन। आप याद करिए, पहले उसमें कमीशन खोरी होती थी। मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए, आज पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाता है, कोई मीडिएटर नहीं होता है, कोई मध्यस्थ आपका पैसा मार नहीं सकता है। यह भी हम सबको देखने को मिलता है। किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ किसान देश के अंदर किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया है। और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको हम 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उपचार के लिए आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। राशन की सुविधा नवरत जारी रहेगी। किसान सम्मान निधि का लाभ भी लोगों को मिलता रहेगा। और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, बाकी जितने बचे हैं इन सब को भी एक एक आवास अगले 5 वर्ष के अंदर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा यहां सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और थारू जनजाति से जुड़े हुए क्षेत्रों में तो हम लोगों ने पहले ही यहां मकान की सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाने का काम किया है। जो बचेंगे उनको भी हम अगले 2-3 वर्ष के अंदर मकान दिलाने का काम करेंगे। आज थारू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यहां पे हम लोगों ने एक म्यूजियम भी बनाया है। म्यूजियम के माध्यम से भी यहां को एक नई पहचान दिलाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास के लिए पहले इन क्षेत्रों में आना अत्यंत दूभर था, आज बेहतर सड़क बनी है। आज आने के लिए बिजली सड़क है तो बिजली भी है,
पहले लोग गड्ढों का पानी और तालाब का पानी पीते थे, आज पाइप पेयजल की स्कीम लागू हो रही है, हर घर तक नल पहुंचाया जा रहा है और नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का काम भी उपलब्ध क्यार करने का प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए बलरामपुर जिले में लोग बोलते थे यहां विकास कभी नहीं होगा। मुझे कभी देवीपाटन मंदिर में आना होता था, मैं देख के ताजुब करता था कि अगर मैं गोरखपुर से चलता था तो भी मुझे 6 घंटे लगते थे, गोंडा से आता था तो गोंडा के रास्ते भी मुझे गोरखपुर से आना होता था तो भी बहनों और भाइयों मुझे 8 घंटे लगते थे, और अगर गोंडा में ट्रेन पे आ गया तब भी मुझे 4 घंटे देवीपाटन पहुंचने में लगते थे। आज के दिन पर मात्र 45 मिनट में मैं गोंडा से देवीपाटन मंदिर में आ जाता हूं। आज के दिन में गोरखपुर से मुझे मात्र 2.5 घंटे देवीपाटन मंदिर आने में लगते हैं। सड़कें अच्छी बन गई हैं, अब तो मां पाटेश्वरी के नाम पर बलरामपुर जिले में विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हम विश्वविद्यालय का निर्माण भी आपके जनपद में कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े संस्थान आज आपके इस जिले में यहां के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देश के सबसे पिछड़े जनपदों में बलरामपुर माना जाता था, आज देश के अग्रणी जनपदों में बलरामपुर का नाम भी लिखा जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की विकास की गाथा है, लेकिन साथ साथ ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देखो क्या कर रहे हैं, इनके द्वारा क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, इनके कारनामों को तो देखो। अभी इन्होंने कहा है, जब इनसे पूछा गया कि क्या आपकी जनता के लिए योजना है, तो इन्होंने कहा कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे। कहा कैसे हटाएंगे, कहा जनता की संपत्ति का सर्वे कराएंगे, और सर्वे करा करके जो बाप दादों की कमाई की संपत्ति होगी उस पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब उसमें से आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे और लेकर के फिर घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी होगा, और किसी और देश से कोई घुसपैठी मुसलमान आया होगा उसको ये लोग बांटने का काम करेंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, कांग्रेस के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, इनका ये वरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा, मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर इसने तोड़ा, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर इसने क्षतिग्रस्त किया, मथुरा के मंदिर को क्षतिग्रस्त इसने किया, और लगातार देश के अंदर हिंदुओं को अपमानित करने का ये काम करता था। लेकिन इसने हिंदुओं के धर्मांतरण करने के लिए जजिया कर लगाया था, जजिया कर, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का ये वरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। और इसीलिए औरंगजेब, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सत्ता के लिए पहले अपने भाई की हत्या की और फिर अपने भाई की हत्या के बाद उसने फिर अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। इसलिए कोई मुसलमान भी डर के मारे अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। लेकिन ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी में अब लगता है कि औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, जो आप लोगों पर वह वरासत टैक्स लगाने का प्रयास कर रहा है। क्या ये वरासत टैक्स देंगे क्या आप सपा और कांग्रेस को? बहन और भाइयों, ये नहीं देना चाहिए, कतई नहीं, विरोध होना चाहिए, क्योंकि यह देश हमारा है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन की सेवा कर रही है, इसमें भेदभाव नहीं है, सबका साथ
और सबके विकास के भाव के साथ कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा जितनी योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है, इसमें किसी के साथ भेदभाव हुआ है क्या? किसी प्रकार का भेदभाव हुआ है क्या? जब भेदभाव किसी के साथ नहीं है तो बहनों और भाइयों, फिर हमें भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम भी किसी के साथ कोई भेदभाव भेदभाव करने वाले दल थे जो चेहरा देख करके करते थे। क्या कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे और समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही थी उस सरकार को? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे हमारा गरीब कहां जाएगा, हमारा दलित कहां जाएगा, हमारा थारू कहां जाएगा, हमारा गौड़ कहां जाएगा, कुर्मी कहां जाएगा, यादव कहां जाएगा, अन्य जाति के लोग कहां जाएंगे? लेकिन इनको मुसलमानों की चिंता थी, इन गरीबों की चिंता नहीं थी। आज जब ये लोग सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं, अब छटपटाहट है इन लोगों में, और इस छटपटाहट का जवाब फिर आपके पास है। और जवाब आपके पास है, जिन लोगों ने आपको विकास के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने बलरामपुर को एक पिछड़ा जनपद बनाया था, अपने वोट से उनकी जमानत जब्त करने का काम आप करवाइए। करेंगे? करेंगे? 25 मई को चुनाव है और लोकसभा के लिए श्री साकेत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। बहन और भाइयों, साकेत मिश्रा लोकसभा के लिए हैं और शैलेश, ये आपका शैलेश कुमार सिंह सैलू, ये आपके पूर्व विधायक हैं, उपचुनाव में फिर से आपके प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। चुनाव जिता के भेजेंगे इन लोगों को? चुनाव जिता के भेजेंगे? भेजेंगे? देखो 24 मई तक आप प्रचार कर सकते हैं, 24 मई तक, 25 मई को वोट होना है, वोट पोल करेंगे आप, 24 मई तक घर घर जाकर के जितने लोग यहां पे आए हैं पूरी गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में, गांव गांव जाकर के इन दोनों प्रत्याशियों के लिए लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, क्या इनको जिताने के लिए हर घर में कमल खिलाने का काम करेंगे? करेंगे? घर घर जाएंगे, मोदी जी का संदेशा घर घर पहुंचाएंगे? एक ही काम करना है, प्रतिदिन जितने लोग आएंगे, जितने लोग यहां हाथ खड़ा करेंगे, वे बात नोट करें पहले, वे, मैं अपील करूंगा कि वे प्रतिदिन 5 घरों में जाएं, घर के हर वयस्क मतदाता के पास जाकर के उससे कहेंगे कि देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए। बोलेंगे ना? और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए साकेत मिश्रा जी जब यहां से सांसद बनेंगे तब ये संभव होगा। बोलेंगे? और विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं को लाने के लिए शैलेश कुमार सिंह सैलू, ये तो आपके चिर परिचित चेहरे हैं, है ना? तो ये दोनों लोगों को विजयी बनाने का काम करेंगे, घर घर जाएंगे, विजयी बनाने का काम करेंगे। और दूसरा 25 मई को पहले जलपान, पहले मतदान, फिर और कोई काम। क्या करेंगे? पहले पहले मतदान, पहले जलपान नहीं, पहले मतदान, फिर जलपान, तब और काम, ठीक है? ये 5 दिन का समय आप देश के लिए दीजिए, कमल खिलाने के लिए दीजिए, आपको आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण मोदी जी बना करके देंगे। सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके मेरे सामने बताओ। ये सड़क वाले लोग भी, बाहर भी जितने लोग खड़े हैं, वे सब लोग मुझे बताएं, क्या आप लोग करके दिखाएंगे? करके दिखाएंगे तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।